छोटे कांटे वाली, ये बड़े कांटे वाली, और ये देसी मछली। अभी 2 किलो करवाइए। बेदिया रोड के ऊपर ये नौशाही फिश कॉर्नर वाले हैं, ये उनका नंबर है। वैसे मैं होता तो मैं पूरी मछली उठा के बैटर में डाल देता उसको, यूं यूं करके ना, लेकिन वो अच्छा नहीं वो, क्योंकि हमने एक पीस डाल दिए पहले। आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लाइफ विद फारूक में, और आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आ जाना, और मैं खड़ा हूँ मछली वालों के पास और मछली लेने आए हैं। अभी अभी मछली बनवाते हैं, बाकी डिटेल मैं इस वीडियो में देता हूँ कि आपने मछली कौन सी लेनी है, कांटे के बगैर वाली कौन सी और बड़े कांटे वाली कौन सी है, तो आपने ब्लॉग एंड तक लाजमी देखना। तो 3 तरह की मछली है, ये पता नहीं कौन सी है, छोटे कांटे वाली, ये बड़े कांटे वाली, और ये देसी मछली। अभी 2 किलो करवाइए। ये मछली हमारी बन रही है, इनका पक्का अड्डा है, ये बेदिया रोड है, और ये मछली का आटा ये भाई बना रहे हैं, और वो सामने, वो जो सामने है वो रिंग रोड का इंटरचेंज है। तो अभी मछली बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगा आपके साथ, तो इसको मसाले कौन कौन से लगाने, कैसे लगाने, कितनी देर रखना है, और इसका टेस्ट कैसे बनता है, तो अपनी वीडियो लाजमी देखनी। अच्छा आने वाली, अभी जो मछली बन रही है दाम निकल रहा है। ये बड़ी मछली का फ़ायदा ये है कि इसमें कांटे बहुत कम होते हैं, और जो पीस होता है वो बड़ा होता है खाने वाला। पहले मैं मछली खाता नहीं था, लेकिन अब मैं मछली खाता हूँ। मछली की किस्में पड़ी हुई काफ़ी सारी, सफाई हो रही है अच्छे तरीके से मछली। इसको फ्राई करेंगे, इंजॉय करेंगे। ये जो है ये है 350, ये है 450, और ये है 680, मतलब 700। इनके मुताबिक कह रहे हैं कि मछली जो है वो देसी खाने वाली होती है, इसमें सही ताकत होती है। ये दूसरी है, ये बड़े कांटे वाली है, इसमें आप जो है वो कांटा बार बार निकालते नहीं है, और ये जो है छोटे कांटे वाली है, हमने जो बनवाई है वो बड़े कांटे वाली बनवाई है। अभी इसका पीस निकालेंगे, और अभी आप देखिएगा कि बिल्कुल जो है इसका पीस निकालने के और कांटा बिल्कुल अलहदा कर देंगे। इनमें यही बात है, पहले भी 2-3 दफ़ा मछली ले चुका हूँ, और यहाँ पे देखिए पूरा पीस बन गया मछली का। सारी चीज़ें आ रहे हैं, और मैं असर नहीं करूँ, कर पीस बन रहे हैं, फ्राई ले पीस करने हैं, छोटे कर नहीं कर, छोटे पीस करवा लेते हैं ताकि फ्राई करने में और खाने में आसानी हो, मसाला लगा रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, ओके हो गया। अब ये देखें, इसका यही फनकारी होगी कि इसका कांटा जो है कोशिश करेंगे निकालने की, ये निकाल दिए हैं, मतलब यहाँ से निकालेंगे ये देखें, ये पूरा पीस बाहर आ गया कांटे का, वो देखें। बड़ी मछली का यही फ़ायदा, कांटा ये आ गया और मीट जो है वो आ गया। आपकी मर्ज़ी है कांटे के साथ खानी है, अलग खानी है, आप डिपेंड करता है। इसमें अब कांटा नहीं था, बगैर कांटे के रहिए मछली। अभी यहाँ पे हमने इसका वेट करवा लिया, अभी इसके ऊपर ये लगाएंगे मसाला, नमक वगैरह और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो। मछली आपने लेनी कैसे है, ये भी फ्रेश मछली है, फ्रेश मछली का कैसे पता चलता है, लेमन वगैरह निचोड़ दिए उन्होंने भाई जो हमारे, लेमन निचोड़ हैं, इनसे मैं मछली अक्सर लेके जाता हूँ। ये इन्होंने ये नमक लगाया, ये नमक लग गया इसके ऊपर, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और हमने इसको घर जाके मैरिनेट करना, मैरिनेट करने के बाद 1 दिन पूरा जो है वो इसको हमने रख लेना घर में, उसके बाद फ्राई करेंगे। फ्राई करने की वीडियो इसके साथ ही मिलेगी आपको। और अभी 2 शॉपिंग बैग में करें ताकि हम इसको पैसे दे दें। बेदिया रोड के ऊपर ये नौशाही फिश कॉर्नर वाले हैं, ये उनका नंबर है। क्या कह रहे हैं आप? मैं नेट पे जोड़ देना पता चला। बिल्कुल भाई, देखें नेट के ऊपर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपने यूट्यूब पे ये देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ये बेदिया रोड पे आपने आना है, ये बेदिया रोड है, और यहाँ पे आएंगे तो हम वो कायदे आज़म इंटरचेंज की तरफ से आप आएंगे, तो ये बेदिया रोड के ऊपर बिल्कुल बैठे, और बिल्कुल
मालमो के सामने अपोजिट ही लगा ली, ये मालमो है और ये यहाँ पे बैठे हैं। हमने ले लिया अभी कुछ सामान लेना थोड़ा सा, मछली के साथ तो वो भी ले लेते हैं। जी हाँ, मछली जो है वो ले आया था घर और ला के मछली को अच्छी तरह धो ली है अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें। और आपको मालूम है कि जब उसने हमें मछली दी थी तो इसके ऊपर पहले से जो है नमक लगा के दिया था और साथ में कुछ थोड़ा सा मसाला भी लगाया था, पता नहीं अजवाइन वगैरह और कोई क्या चीज़ें होती हैं जो डालते हैं इसके अंदर। खैर, मछली को धोने के बाद इसको जो है हमने ड्रेन कर लिया पानी को। अब हम स्टार्ट करते हैं जो इसका मसाला जो इसके ऊपर लगाना है तो उसको हम मिक्स करना शुरू करते हैं, फिर बताता हूँ साथ साथ आपको कि क्या क्या चीज़ें डालनी है इसमें। एक बाउल हमने ले लिया, फिश जो है हमारी 2 kg थी, आपको मालूम है 2 kg है, 2 kg से थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसके हिसाब से जो हम मसाला जात इकट्ठे करेंगे उसका बैटर बनाएंगे। सबसे पहले जो है हम 1 tablespoon डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च और उसके बाद हम 1 tablespoon डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च, ये जो हमारी पीसी हुई है ये वो डालनी है। और उसके बाद जो है गरम मसाला डालना है हमने पिसा हुआ 1 tablespoon। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो सॉरी असल में ना मुझे इतना पता नहीं, वो पहले जो हमने डाला वो था सूखा धनिया, ये है गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी 1 tablespoon है, मतलब आप आगे पीछे कर लें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी हम डाल देते हैं, पहले मतलब हमने सूखा धनिया डाला और अब हमने डाला गरम मसाला, तो बाई मिस्टेक मुझे इसको गरम मसाला कह दिया गया। नेक्स्ट जो है हमने 1 tablespoon, अब जो है हम 1 tablespoon अजवाइन डाल रहे हैं इसमें। भाई ऐसी रेसिपी बनती होती है, मतलब जिस तरह भी आपने बनानी है ऐसी ही बनानी है। और हम ज़ीरा डाल रहे हैं इसके अंदर 1 tablespoon और जो है ये है चाट मसाला, अब हम इसको चाट मसाला डाल रहे हैं 1/2 tablespoon। ओके, जहाँ समझ नहीं आ रही मुझसे पूछ लेना आपने कॉमर्स करके, मैं फिर बता दूंगा आपको। और हमने हल्दी लेनी है इतनी सी, आप वो देख लें कितनी है, ये मुझे नहीं पता कितनी है, 1 teaspoon है मेरे ख्याल में, शायद 1 teaspoon है, ये ले ली हमने। उसके बाद जो है हमने लहसुन को कूट लेना, उसका पेस्ट बना लेना 1 tablespoon, ये डाल देना आपने। और नेक्स्ट आ गया जी बेसन, हमने 2 tablespoon बेसन डालना है, ना तो मुझे पता, मैंने रेसिपी बहुत मुश्किल से याद की है सारी से ना, 2 tablespoon। और आखिर में हम डालेंगे सिरका, और सिरका हमें इतना डालना है कि 1 tablespoon डाल दिया हमने सिरका, और साथ में हम थोड़ा सा पानी जो है 1 cup ऑलमोस्ट डाल देना आपने। ठीक है, 1 cup डाल देना, उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, मतलब इसका बैटर बना लेना अच्छे तरीके से। अभी ये बैटर इसका बन जाता है, अभी देखिए बैटर हमारा जो बन गया, आपने अपने हिसाब से इसको थिक रखना है थोड़ा ताकि मछली के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए और जो है जब फ्राई करते हुए जो है प्रॉपर तरीके से इसका रुमाल इसके अंदर निकाल लेगा। अब हम इसको मछली पे लगा लेते हैं पूरे बैटर को। जी मछली बनाने की खुशी में ना तो नमक ही भूल गए, नमक भी डालना था, और 1 teaspoon जो है इसमें नमक डाल देते हैं और अब इसको मिक्स कर लेते हैं दोबारा एक बार, और उसके बाद फिर मछली पे इसको लगाना शुरू करते हैं। एक ट्रे भी ले लेता हूँ साथ में, और ट्रे लेने के बाद जो है इसको पूरा मछली पर जो है वो लगा देंगे। और फिर एक और काम करना है, लगाने पर ओवर द नाइट आपने इसको रखना है, फ्रिज में रख लेना ताकि मसाला जो अच्छे तरीके से रच बस जाए इसमें मछली में। मुझे तो लग रहा है मेरा ब्लॉगिंग का नहीं, मेरा कोई फूड चैनल है। खैर, आपको बताना था, मैंने कहा चलो समझा दूँ कि कैसे बनती है हमारे घर में मछली। मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम जो मछली पे लगा था, जिससे हम खाते हैं। फिर देखें क्या था, इतना आपने बस इसको जो है वो गाढ़ा करना है ताकि मछली पे अच्छे तरीके से चलाए। अब हमने जो है एक ट्रे ले ली है और साथ में जो ये मछली पड़ी हुई हमारी और ये हमारा बैटर पड़ा हुआ है। अब आपने अपने गंदे से हाथों से इस मछली को पकड़ना यूँ करके और जो है वो बैटर इसके ऊपर लगाना है, हाथों से लगा दें। वैसे मैं होता तो मैं पूरी मछली उठा के ही बैटर में डाल देता उसको यूँ करके ना, लेकिन वो अच्छा नहीं वो, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से मछली पे वो लगेगा नहीं। अभी इस तरह आपने मछली को अच्छी तरह मैरिनेट करना, हर लिहाज से मतलब हर तरफ से इस पर जो है अपने मसाला अप्लाई करना, साइडों पे भी
और बैक पे भी फ्रंट पे भी इसी तरह सारी जो मछली को आपने इसी तरह मसाले को जो अप्लाई कर लेना। आप इस तरह का जो है इस तरह की रेसिपी बनाएं घर में, जिस तरह मतलब मैंने आपको बताया जो मसाले हमने डाले, और इसको ओवर द नाइट आप रखें और अगले दिन नेक्स्ट डे आपने इसको फ्राई करना है। और इसका आप जायका देखिएगा, आपको बाहर की मछली बिल्कुल भूल जाएगी। आप हमेशा फिर 400-450 रुपए किलो मछली ला के, 2 किलो मछली लें आप 800-900 की आ रही, 900-1000 की, और उसको इसी तरह अच्छे से मसाला लगा के पूरी रात रखें और घर में फ्राई करें, और आप यकीन मानेंगे कि आप बाहर की मछली भूल जाएंगे। अब बाहर मछली आपको मिलती है तकरीबन काला रोहू तकरीबन 1000 रुपये पर केजी, और ये भी काला रोहू है, और ये मैं लाया हूँ मतलब 450 रुपये पर केजी, तो 2 केजी आलमोस्ट 900 की मछली है ये। अगर आप बाहर से लेते तो 1000 की 1 केजी मिलती है। बस थोड़ा सा ये है चीज़ होती है कि आपने इसको घर में आपको बस थोड़ा सा इसका मसाला लगा के रखना पड़ता है। और मैं एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी मछली नहीं खाता था, मतलब अभी कोई लास्ट 1 ईयर से खाना शुरू हुआ हूँ, वो भी अपने जो घर में बनती है सिर्फ वही खाता हूँ, और अदरवाइज़ मैंने बाहर की मछली आज तक नहीं खाई, मतलब इतना टाइम गुजार दिया ज़िंदगी का, लेकिन मछली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अब मछली बहुत पसंद। अभी खैर मसाला हमने लगा दिया है, वीडियो मेरी लंबी हो रही है, फिर आप भी डिस्टर्ब होंगे भाई क्या रेसिपी बता रहे हैं हमें। तो अभी इस तरह हमने सारी मछली को जो है वो मसाले के साथ फिल कर लेना। अब जब आखिरी पीस होगा तो वहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। अब आखिरी पीस है, इसको भी हम लगा रहे हैं ताकि मछली को रख सकें। अभी अगर ओवर द नाइट ना रखना होता तो फिर इसको भी फ्राई करके खाते, वो दिल चाहता। खैर अभी अच्छा, अभी हम इसको पूरे को मसाला लगा लिया, अभी हम इसको रखेंगे फ्रिज में नीचे। और अगर आपने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखना, लेट्स सपोज 2 या 4 दिन बाद आपने मछली को फ्राई करना है, तो आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे। ओके, ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। अभी इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं और इसी वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, और जहाँ से हमने इसको फ्राई करना शुरू करना है। ओके, तो मिलते हैं फिर अपने कल की वीडियो में, बल्कि इसी वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन में। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वेलकम हो गया अगेन आपका मेरे चैनल में। और कल जो है हमने अपनी इस फ़िश को मैरिनेट करके छोड़ दिया था, और अभी जो है ये हमारी जो फ़िश है वो ठंडी हो चुकी है। ठंडी से मेरा जमी हुई नहीं है, ठंडी मीन्स हमने इसको फ्रीज़ नहीं किया था, फ्रिज में रखा था, और मसाला अच्छे तरीके से देखें लग चुका है। ओके, और साथ ही हमने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है, और अब हम जो है पीसेज इसमें ऐड करेंगे, और पहले एक तरफ से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर दूसरी तरफ से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्राई करना, देखो इतना बड़ा काम नहीं, लेकिन दिखा रहा हूँ ताकि रेसिपी पूरी बन जाए। हमने एक पीस डाल दिया पहले, अभी हमने 3 पीस डाल दिए हैं फ्राई पैन में, 3 आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा पैन है तो उसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से पकने देंगे एक साइड से 5 से 10 मिनट, और फिर नेक्स्ट इसको जो है वो उसकी तह चेंज करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी फ़िलहाल दोबारा वीडियो कंटिन्यू कर। जी फिर जो प्रॉपर तरीके से फ्राई हो गई दोनों साइड से, और अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से। एक टिश्यू रख लेना अपने प्लेट में ताकि जो है वो जज कर लें, इसमें ऑयल जो थोड़ा बहुत रह गया। दूसरा भी हमने निकाल लिया पीछे से, तीसरा भी निकाल लेते हैं। तो फिर अभी मछली जो है वो रेडी हो गई है, और मैं जो है अभी मछली खाऊंगा मज़े ले लेके। आपने इसी रेसिपी से मछली बनानी है घर में और खाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ ताकि मेरी नई नोटिस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने कल के एक नए ब्लॉग में नई रूटीन के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।